प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आनन फानन में 60 से अधिक अपराधियों की सूची तय की है, उन सभी अपराधियों के नाम सार्वजनिक कर अपराधियों पर सभी अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा और मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? वो खुद क्या है आप हमें बताओ? मैं पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समझो। उनके ऊपर भी 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज थे और वो फूट फूट कर सदन में रोया करते थे कि सरकार हमको इनकाउंटर में मरवाना चाहती है। तो अरे भैया, जब आप रो रहे थे, समझो हर आदमी को संविधान सुधरने का मौका दिया। मौलिक अधिकार मेरा संविधान बताता है, बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, बोलता भी। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। शायद भारत का हर नागरिक आप देश हित की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसे लोग उभर के आते हैं जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर पाते। उनमें से एक है पंकज श्रीवास्तव जी। आप मैं पहचान नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा देश विदेश इनको जानता है। आज मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ वीडियो करने का मौका मिल रहा है। पहले तो स्वागत है सर आपके समय। नमस्कार। हाँ, जिस तरह से आज देखा जाए, अगर कह लिया जाए तो अपने देश में आग सी लग गई है और इस आग को बुझाने में पंकज श्रीवास्तव जी का क्या श्रेय रहेगा, कैसे रहेगा? देखिए, देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान दी है, संविधान अभी जिंदा है। और आपको मैं बता दूं कि न्याय संगत सजा का प्रावधान है तो निश्चित तौर पर एक अपराधी को मारने के लिए दूसरे अपराधी को जन्म देना एक तरह का कुकृत्य है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस का फेल्योर है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। हम ये नहीं कहते हम अपराधियों का संरक्षण नहीं देते, लेकिन अपराधियों को सजा मिलना चाहिए देश के संविधान के हिसाब से। और पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से एक अतीक अहमद का हत्या हुआ है तो हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। अतीक अहमद ही नहीं, कोई भी हो, उसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। जाति और धर्म के आधार पर किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आनन फानन में 60 से अधिक अपराधियों की सूची तय की है, उन सभी अपराधियों के नाम सार्वजनिक कर अपराधियों पर सख्त से सख्त न्यायपालिका के दायरे में, न्याय की दायरे में रहकर उन पर सजा मुकम्मल किया जाना चाहिए। योगी बाबा ने कहा कि सभी अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा और मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? वो खुद क्या है आप हमें बताओ? मैं पूछ रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, समझो। उनके ऊपर भी 70 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज थे और वो फूट फूट कर सदन में रोया करते थे कि सरकार हमको इनकाउंटर में मरवाना चाहती है। तो अरे भैया, जब आप रो रहे थे, समझो हर आदमी को संविधान सुधरने का मौका देता है। संविधान में और धर्म में दोनों में प्रायश्चित शब्द बने हैं। आप गुनाहों से अगर तौबा करते हैं तो आपको एक सभ्य नागरिक बनने का अधिकार संविधान भी देता है, धर्म भी देता है। नहीं आप धर्म के दृष्टिकोण से सही हैं, नहीं आप संविधान के दृष्टिकोण से सही हैं। कैसे कह सकते हैं पंकज श्रीवास्तव जी? आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म के दृष्टिकोण से सही नहीं है, ना ही संविधान के? कैसे? मैं आपको क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह जैसे माफिया हैं जो प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र से आते हैं, उनकी पत्नी MLC है, उनका बेटा चंदौली से विधायक है, रज्जा भैया जैसे लोग हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, सोनू सिंह, पता नहीं कौन कौन से लोग अपराधी हैं। और जो मौर्य अपराधी जिसने गोली पुलिस के संरक्षण में माला तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, ये एक साजिश की ओर इंगित करता है, एक षड्यंत्र की ओर इंगित करता है, ये एक प्रयोग की तरफ इंगित करता है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। आप इसको एनकाउंटर मानते हैं या फिर हत्या मानते हैं? हम इसको हत्या मानते हैं। किस वे से, कैसे? देखिए, कानून व्यवस्था, देश का कानून सर्वोपरि है। भारत के हर आवाम को कानून का पालन करना चाहिए, चाहे वो अपराधी हो या साधु हो या आम जनता हो, कोई भी जाति धर्म का हो, सबको कानून में विश्वास। वैसे तो कानून में कोई विश्वास नहीं करेगा, और हम इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए। चूँकि हम संविधान प्रेमी हैं, हम कानून के मानने वाले लोग हैं और देश की कानून व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपने देखा अब कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग मुख्यमंत्री के स्वजातीय हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये भी एक निंदा का विषय है।
और उत्तर प्रदेश में आज तो उसके वकील के घर के आसपास बम धमाके हुए और पुलिस कस्टडी में 26 मार्च से ही न्यूज 18 दिखा रहा है कि वो रेकी कर रहा था, वो प्लानिंग कर रहा था। तो आईबी को जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेल्योर है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा फेल्योर है। अगर आप ऐसी बात अगर आपकी मानसिकता है तो आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, हम आपसे ज़्यादा क्या सवाल जवाब करें। हम आप जैसे पत्रकारों का सम्मान करते हैं जो अपने हौसलों के बदौलत आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं। काश आप जैसा हौसला, आप जैसी सूझबूझ और आप जैसी निडरता सारे पत्रकारों में हो। चलिए, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं पत्रकार बनने से पहले मैं एक मौलिक अधिकार, मेरा संविधान बताता है बेटा, कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, बोलता भी। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। शायद भारत का हर नागरिक आपसे सीखे कि विषम परिस्थितियों में भी कैसे जिया जाता है और कैसे समाज को आईना दिखाया जा सकता है। इसके लिए आपको शत शत नमन। सबसे पहले दूसरी बात, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हों, इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक तरह से हमारा और आपका सहयोग होगा, इनके प्रति समर्पण की भावना होगी। निश्चित तौर पर आप इन्हें इनके चैनल को सब्सक्राइब कर समर्थन दीजिए। दूसरी बात, पुलवामा की घटना आप उस पर जिक्र नहीं करते। पुलवामा में RDX कहाँ से आए, वो कार किसकी थी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, CRPF के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, उस पर बात नहीं किया आपने। किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी, किंग मेकर नरेंद्र मोदी जी पर कोई सवाल नहीं किया कि वो सेल कंपनियां कहाँ हैं जिसके देखरेख में 2 लाख कंपनियां बंद हुई थी। आज वो सेल कंपनी एलेरा कंपनी किसकी है और PMC जो प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड है उस क्या संबंध है उसका अडानी समूह से। तो उन सब बातों का अगर आप जब जिक्र करेंगे तो ये देशभक्ति होगी। तरह के सवाल, लेकिन मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि अतीक अहमद का जिस तरह से एक बेटे को एनकाउंटर किया जाता है, दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर ही उसको हत्या कर दिया जाता है, ये हत्या है एनकाउंटर, बस ये सवाल मैं ये हत्या है, इसको एनकाउंटर नहीं कहेंगे। वो फरार नहीं हो रहा था, वो मेडिकल के लिए गया था। तो क्या लगता है कि उनके अपराधियों का भी एनकाउंटर हो जाना चाहिए? देखिए, हम एनकाउंटर के पक्ष में ही नहीं है। समझो, आपके कस्टडी में है संविधान के अनुसार जो धाराएं संविधान में प्रदत्त हैं, उस धारा के मुताबिक उसको फांसी की सजा दीजिए, उम्र कैद दीजिए, जो भी संविधान हमारा कहता है आप उस हिसाब से काम कीजिए, खुली छूट है। कोई अगर संविधान का विरोध करता है तो पंकज श्रीवास्तव सबसे पहले उस व्यक्ति का विरोध करेगा जो हमारे संविधान को नहीं मानेगा, हम उसे नहीं मानेगा।